कुछ गोपियां बैठी हुई यही चर्चा कर रही कि बताइए भगवान अपने मुकुट में मोर की पंख क्यों लगाते हैं। देखिए कलयुग की बात नहीं है, सतयुग की बात है, आजकल तो पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। लेकिन कुछ गोपियां कहती हैं महाराज इसलिए लगाते हैं कि कन्हैया राधा जी से बड़ा प्रेम करते हैं और राधा जी की जो चूनर है वो नीली है इसलिए वो मोर पंख धारण करते हैं। एक गोपी कहती है नहीं, वो महादेव जी से बड़ा प्रेम करते हैं इसलिए वो ये मोर की पंख धारण करते हैं। एक गोपी कहती है नहीं, मोर बड़ा पवित्र होता है, मोर नाचता है और नाचते नाचते वो रोने लग जाता है और उसके आंसू की जो बूंदे गिरती हैं वो मोरनी पीती है, फिर वो मोरनी गर्भवती होती है। मोर कभी संभोग नहीं करती, सतयुग की बात है लेकिन कलयुग की है। तो भगवान को स्वच्छता पसंद है, भगवान को पवित्रता पसंद है, इसलिए भगवान को अगर पाना है तो इस हृदय के अंदर जो विकार भरे हुए हैं, जो गंदगी भरी हुई है उसको निकालना पड़ेगा। और अगर आपका मन स्वच्छ है सुंदर है तो मेरे कन्हैया आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। क्यों? भगवान को पवित्रता पसंद है। तो कारण क्या है कि मोर पवित्र होता है, इसी कारण भगवान मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं।